जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आईटीबीपी का ट्रेड बैंक का परीक्षा जो रद्द हो चुका है उसका मैं सेट लेकर आ चुका हूं। तो फ्रेंड बता दूं मैं आपको कि ये एग्ज़ाम तो रद्द हो चुके हैं, अब किस डेट को होगा ये आपको भी नहीं पता, अभी ना अभी क्लियर किया गया है। इसलिए कि जो ना विश्व में कोरोना की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से सारी चीज़ें ठप हो चुकी है, इसलिए भारत लॉकडाउन हो चुका है। इसके लिए एग्ज़ाम की तो अभी डेट ही नहीं कुछ आने वाली है। तो हम चलते हैं अब सेट की ओर। अब घर पे बैठे बैठे क्या आपको एक सेट रिवाइज कर लेना चाहिए। पर डे आपको सेट अवेलेबल में बहुत सारा करा चुका हूँ। अभी जितने भी नहीं करे, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाकर देखें, आपको बहुत सारे सेट मिलेंगे जहाँ से मैंने आपको ITBP BSF सेट बहुत ऐसे ट्रेडमैन सिपाही भर्ती की अपडेट के लिए मैंने आपको अपलोड कर दिया है। इसी प्रकार एक आज फिर से सेट मैं लेकर आ चुका हूँ, चलिए इस सेट को भी देखते हैं। तो फ्रेंड बिना देरी किए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के निकट सबसे निकट ग्रह कौन है। जो सूर्य हमारी पृथ्वी में के चारों वलन घूमता है वो सबसे हीट वाला, एनर्जी वाला सूर्य होता है। तो बात करते हैं उसके निकट सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सबसे निकट कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है, और बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह भी है। चलिए बात करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो की खोज आरडी विजयस ने किस वर्ष की थी, इसमें वर्ष बताना है कब की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 में आपको ये खोज किया गया था। कहीं कहीं आपको मैं बता दूँ सस्पिशन में आपको 21-22 दोनों देता है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि 1922 में हुआ था। हम बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। हीराकुंड बांध, जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, महानंदा, गोदावरी, कोसी, किस पर स्थित है। तो मैं बता दूँ आपको ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे नंबर की। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोद को ये बजाते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देरी किए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य की स्थल की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो बता दूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छठे नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो राउल केला है वो उड़ीसा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में ये स्थित है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान कहलाता है, जिसमें हम भूकंप का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, उस विज्ञान को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत चीन का युद्ध किस साल में हुआ था। जो भारत और चीन के युद्ध हुए थे वो किस वर्ष में हुए थे। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो बता दूँ आपको ऑप्शन ए तो आपको होगा नहीं, इनमें से कोई तो होगा नहीं, इसलिए कि आप पढ़े भी होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962 में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ये दोनों होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे लंबा हाईवे है, इसमें बताना है आपको भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो मैं बता दूं आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बनारस से कन्याकुमारी का सबसे लंबा हाईवे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा क्या जाता है होता ही है सॉरी। चार मीनार कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट सॉरी
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, गुजरात की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए बी सी या डी। मैं बता दूँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कमेंट बॉक्स में कैसे देना है? ऐसे आपको 13 लिख देना है और 13 का कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपको इससे मैं आपको पता चलेगा भी कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको सही आंसर भी मैं बता दूंगा बीच में, और आपको क्वेश्चन की भी जानकारी हो जाएगी कि आपने क्वेश्चन जो सॉल्व किया अच्छा है, आपकी ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन है बट आपने क्लियर है या नहीं है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंसार बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। मैं बता दूँ ये आपको ऑप्शन नंबर ए सोन नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने के यंत्र में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बी सी या डी। ये भी आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको बता दूँ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है जिससे आग बहुत आसानी से बुझ जाती है। ये फायर ब्रिगेड में भी आपको इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ये तो था आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। अब सामान्य विज्ञान में जो फिजिक्स के, केमिस्ट्री और बायो से किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे आपको मैं बता दूँ, लेवल आपका यही रहेगा क्वेश्चन की, इससे हाई नहीं जाने वाले हैं। बस आपको तैयारी अच्छी रखनी है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको जो कैंसिल हुआ था उसका मैसेज आपको थंप लगा चुका था और आपने देखे थे, और मैंने जो क्वेश्चन छोड़ा था गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपने कमेंट में लिखे होंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको, ऑल द बेस्ट, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 16 नंबर, जो हम बात करते हैं विद्युत चालक के दौरान दोनों सिरों पर संभावित तरंग वोल्टेज किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए बी सी या डी। तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वोल्ट मीटर द्वारा वोल्टेज को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको बायो से क्वेश्चन है, ये आपका फिजिक्स से क्वेश्चन था, मैं आपको ये भी क्लियर करते चलता हूँ। तो ये बायो से क्वेश्चन है, इनमें कौन मानव उत्पत्ति तंग का भाग है? ऑप्शन ए बी सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चेदानी। ये जो औरत में आपको मैं बता दूँ जब प्रेग्नेंट होती है उसमें बच्चेदानी की प्रयोग की जाती है, उसमें बच्चा पलता है गर्भ में, उसी को बच्चेदानी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, छत्रक है, छत्रक क्या है? ऑप्शन ए बी सी या डी। तो मैं बता दूँ आपको छत्रक एक प्रकार का कवक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन है, एक कूलम, जो एक कूलम बराबर होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। तो बता दूँ आपको ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 6 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 6 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर हमारा, 20 नंबर जो क्वेश्चन है, बीसीजी टीके का प्रयोग निम्न में से किया जाता है। तो मैं बता दूं आपको, आपने बहुत सारे ऐड भी देखे होंगे बीसीजी टीके के लिए, वो टीवी के लिए आपको टीके दिए जाते थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, आपने ये कभी कभी ऐड में भी देखे होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। मतलब मैंने कितने लड़के से पूछा तो आर्मी के जीडी के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें ये एक दो बार मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट मैंने सुना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोने का रासायनिक सूत्र क्या है? जो सोना गोल्ड होता है उसके रासायनिक सूत्र क्या होते हैं? ऑप्शन ए बी सी या डी। तो मैं बता दूँ आपको ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ए यू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर है, कंप्यूटर में किस डॉक्यूमेंट का नाम होता है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। जो डॉक्यूमेंट का नाम होता है वो किस नाम से होता है, तो वो फाइल नेम से आपको सब सेव रहता है डॉक्यूमेंट के, जितने भी आपने देखे होंगे लैपटॉप खोलते हैं तो आपने खुद बनाए होंगे, तो लैपटॉप में वो फाइल नेम से ही होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लाल वर्णक एल्थोसाइड निम्न में से होता है, ऑप्शन ए बी सी या डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश विटामिन डी किस कमी से होता है, तो ये आपको खुद बताना है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या लेंगे, आपका लेवल क्या है एग्जाम का। एक एक और भी क्वेश्चन आपको 13 नंबर जैसे आपने किया है उसी प्रकार ये भी आपको करना है। तो इसका राइट आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि 24 का क्या होगा, ए होगा बी होगा सी, 24 लिखकर, और बताना है ए बी सी कौन सा होगा। चलिए और मैं इसका क्वेश्चन को भी लास्ट में कर बता दूंगा कि क्या होता है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर है। फोटो संश्लेषण क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण होते हैं वो क्या होते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। बता दूँ ये फोटो संश्लेषण आपको इंग्लिश वर्ड है और हिंदी होता है प्रकाश संश्लेषण। जो प्रकाश संश्लेषण होते हैं पौधे को खाने बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आपने ये बहुत बार पढ़े होंगे क्वेश्चन, इसी लेवल के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप कहिएगा तो आपको PDF भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा कि PDF प्रोवाइड करें या ना करें, या कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन प्रोवाइड करें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर का कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होता है। मैं बता दूँ आपको पोलियो से अक्सर ज़्यादातर आपको पैर प्रभावित होता है, ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं यहाँ हाथ और पैर दोनों दिए हुए हैं, इसके लिए आपको ऑप्शन ये भी सही है। ऐसे यकृत नहीं होगा, आँख नहीं होगा, इनमें से कोई तो होगा नहीं, लेकिन मैं बता दूं इसको ज़्यादातर आपको पैर में, आपको अगर पैर और हाथ दोनों दिया गया ऑप्शन में तो आपको कैप्टर ओनली फॉर आंसर सही होगा पैर वाला। अगर दोनों साथ में दिया है तो आपको ऑप्शन बी वाला भी सही हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 27 नंबर, लाल और हरा रंग मिलाकर रंग बनता है, कौन सा रंग बनता है। ये आप खुद टेस्ट भी किए होंगे या मैं भी छोटे बचपन में बहुत बार ट्राई किया है कि मैंने पढ़ते वक्त रेड पेन रेड कलर और ग्रीन कलर को मिलाकर मैंने देखा था। तो चलिए मैं बता दूं आपको ये येलो कलर यानी पीला कलर बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधे के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। जो हम लोग पौधे का अध्ययन करते हैं तो उसे किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन ए बी सी या डी। तो ऑप्शन ए में वो आपको वनस्पति विज्ञान दिया गया है, ऑप्शन बी में रसायन विज्ञान। तो लेकिन बता दूँ आपको पौधे के जो भी पार्ट्स की जानकारी हम लेते हैं तो वो वनस्पति विज्ञान से ही लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेधा का हृदय कितने भागों में होता है। बता दूँ आपको मेंढक का हृदय 3 भागों में होता है और मनुष्य का हृदय 4 भागों में। तो मेंढक का हृदय आप ध्यान रखें, ये बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हुआ आप गलत मार सकते हैं। तो मैं बता दूँ आपको मेंढक का हृदय 3 भागों में होता है और मनुष्य के 4 भागों में होता है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन में लाल रक्त कणिका पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ऑप्शन ए बी सी या डी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिका पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर है। वोल्टीय सेल का विद्युत अपघटन होता है, क्या होता है, ऑप्शन ए बी सी ए डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, तंतु ग्लूकोज अम्ल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत प्रतिरोध, जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसका माप क्या होता है, ये भी आपने 9th में क्वेश्चन पढ़े होंगे। थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपने बहुत सारे इकट्ठे कर लिए होंगे, मैंने जितने वीडियो अपलोड किए हैं बहुत ही इमेजिंग क्वेश्चन है। इसके सिलेबस मैंने आपको ओनली अपडेट कराता हूँ, सारे फोर्स के जितने भी एग्जाम होते हैं मैं आपको पहले प्रोवाइड करा देता हूँ उसके सेट। आपने नहीं तो 25-30 क्वेश्चन में तो आप जरूर 20
कंफर्म करके आते होंगे जिसने लेबल होता है क्वेश्चन का। तो चलिए बात करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी या डी। ये आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। चलिए बात करते हैं पेंसिल डैश होता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए बी सी या डी, ये आपको एंटीबायोमेटिक्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटामोर्फिज्म द्वारा कोयला किस रूप में बनता है। तो ये आपको बता दूं, आप इस प्रक्रिया को हमने हीरे के रूप में प्रयोग करते हैं, जो कोयला से हम लोग हीरा निकालते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम है। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी है। सोडियम क्लोराइड इसका होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो फ्रेंड जो दो क्वेश्चन मैंने आपको डैश कर दिए हैं, वो आपको 13 का और एक 24 का, जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और इससे सब अपडेट आपको पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो थैंक यू।